मध्य प्रदेश के चाचौड़ा तहसील में अवैध रूप से खाद्य सामग्री रखी होने की सूचना मिलने पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में शासकीय पीडीएस का गेहूं, चना, चावल अनाधिकृत रूप से भंडारण पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजीव समाधिया के नेतृत्व में चाचौड़ा तहसीलदार सुधीर कुशवाहा, कुंभराज तहसीलदार अतुल शर्मा, उपकृषि संचालक डीएस कुशवाहा, मंडी सचिव कनिष्ठ आपूर्ति विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम बड़ावदा में स्थित बद्री विशाल धाकड़ की दुकान का अवैध रूप से खाद्य सामग्री रखी होने की सूचना मिलने पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में शासकीय पीडीएस का गेहूं, चावल, चना अनाधिकृत रूप से भंडारण पाया गया। इसी रूप से दुकान में 1200 लीटर डीजल का अवैध भंडारण भी पाया गया। इसी प्रकार दुकान में अवैध रूप से बिना किसी लाइसेंस के यूरिया सुपर फास्फेट डीपीए पाया गया। इसी प्रकार बड़ावदा में दूसरी दुकान रमेश चंद्र बंसीलाल की दुकान का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं और चना का भंडारण पाया गया। वहीं डीजल और पेट्रोल भी अवैध रूप से भंडारित पाए गए। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।